गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू आर अकेडमी नीट बेटा ओके आज हमने क्लास थोड़ा लेट इसलिए शुरू किया बिकॉज वी हैड कॉम्बैट टिल इलेवन फोर्टी फाइव तो काफ़ी बच्चे थे जो इलेवन फोर्टी फाइव तक कॉम्बैट में बिजी थे नाउ दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टड एवरीबडी और एट लेट्स गो दिस इज द नेक्स्ट सेशन ऑफ फंगस फंगस के बारे में हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे फंगस की और डिटेल्स पढ़ेंगे ठीक है आज दो काम करने हैं आपको दो काम क्या करने हैं आपको कि एक तो आप नोट्स मेरे साथ बनाओगे ठीक है और कोशिश करना कि उसको एक कंपेरेटिव चार्ट में बना लो तो जैसे हमने डायटम्स एटम्स और यूग्लिनोइ्स के लिए करा था वैसा ही कुछ हम आज फंगस के सारे क्लासेस के लिए भी करेंगे ठीक है सो मैं बताऊंगी कब और कैसे क्या स्टार्ट करना है हाउ टू राइट इट डाउन एंड लेट्स एंड ऑनडमीज यूट चैनल पे हमारे क्लासेस होते हैं इलेवन थर्टी एम एंड सिक्स थर्टी आज भी सिक्स थर्टी पी पे सेशन है एक जेनेटिक्स का ठीक है यू कैन ज्वाइन मी इन दो सेशन एंड अलोंग विद हमारे स्पेशल क्लासेस भी हैं.

टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो आप ये मान के चलो जो हमने अप्रैल मई में किया था अगर कोई बच्चा नवंबर या अक्टूबर में भी प्लस पे जुड़ा है तो बेटा आपके सारे कराऊंगी, दोबारा पढ़ाऊंगी इन द सेम डिटेल्स ठीक है तो कोई भी बच्चा अगर वन ऑन वन ज्यादा इंटरक्शन के साथ पढ़ना चाहता है प्लस पे तो डेफिनेटली यू गाइस ज्वाइनर्स एंड ये है हमारी स्पेशल क्लास आज स्पेशल क्लास में वी आर गोइंग टू डू नाइट्रोजन फिक्सेशन का थ्योरी इन डिटेल्स सब चीजों के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आज दो बजे डू नॉट फर्गेट दिस दैट टूडे ऐट टू फुल बायोलॉजी रिमेंबर बायोलॉजी इट इज नॉट जस्ट बॉटनी इट इज बॉटनी एंड जोअलॉजी दोनों टॉपिक मैं एक साथ एक मॉक टेस्ट में करा रही हूँ सो इट इज अ प्रैक्टिस आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि अगर आप में से कुछ बच्चे प्लस पे आते हैं तो कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन है किन चैप्टर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वे डू यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन जब हम आधा साल कवर कर चुके हैं ठीक है ठीके? तो सिक्स सेवन मंथ ऑलरेडी इन टू द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकेडमिक ईयर अब अगले चार पाँच महीने हमें क्या करना है और उसका प्लान भी बनाएंगे फिर इसीलिए इलेवेंथ का एक अलग मॉक टेस्ट रखा है ट्वेल्थ का एक अलग मॉक टेस्ट रखा है और थर्टियथ को कंप्लीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट जो ज़्यादातर बच्चे जो ड्रॉपर हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है इस साल को वो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे ठीक है थ्री मेन पेपर्स थ्री मेन टेस्ट ऑफ बायोलॉजी जिसका फिर मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करूंगी यू विल ऑल्सो लेट मी नो द स्कोर एक टेंटेटिव आइडिया लगेगा हमें बेटा और उससे हम निकालेंगे कि हाउ डज हाउ डज द प्रिपरेशन लुक आई हेड आगे कैसे दिखेगी प्रिपरेशन ठीक है सो मेक श्योर कि आज की क्लास में आप दो बजे वाली क्लास में हो कैसे ढूंढना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैं मिल जाऊंगी

साइटोप्लाज्म फ्यूजन दिस इज फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया एंड ये आता है हमारा स्पोरिक मियोसिस ठीक है होता क्या है हमारा जो फंगस है हेप्लॉइड है तो उसके अंदर जो दो हैप्लॉयड गेमी बनेंगे माइटोसिस से वो फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रक्चर एन प्लस एन वैसे तो ये काफी मैंने ये पढ़ाया था आपको. अब एन प्लस एन जो हमारे पास आया है, अगर ये बहुत टाइम तक कंडीशन रह गई कि दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं, पर साइटोप्लाज्म साथ में बैठा है सो दिस इज नोन एज अ डायरियोन फेज ठीक है डाई फिर थोड़े टाइम बाद आज नहीं तो कल जल्दी नहीं तो लेट ये फ्यूज हो ही जाएगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ टू एंड सेल दिस अंडर गो मोसिस स्पोरक मियोसिस एंड इज गोइंग टू फॉर्म स्पोर्स और ये स्पोर्स क्योंकि मियोसिस से बने हैं दीज आर नोन एज सेक्शुअल Sports. ठीक है? ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट इन द प्रीवियस जो बच्चे ने अभी तक नहीं देखा प्लीज जाओ और देखो ठीक है then we, then we also studied sexual reproduction के फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शनोमीटिक पॉप्यशन जिसमें आइसो एन आइसो में हमने पढ़ा था डिफरेंट साइज ऑफ गेमीट के बेसिस पे मोर्टिलिटी ऑफ के बेसिस पे दूसरा हमने पढ़ा एंजल कॉन्टैक्ट जिसमें दो एंजल बनते हैं मेल एंड फीमेल मेल है एंडियम फीमेल है उगोनियम आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं और सारा का सारा साइटोप्लाज्म के समेत न्यूक्लियस दूसरे में ठीक है सेकेंड थर्ड द थर्ड कैटेगरी दैट वी स्टडीड वॉज नोन एज गैमेटांजल कॉप्युलशन कॉपुलेशन जिसके अंदर की नॉर्मल हाइफी दो गेमीट बनाता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लिया होते हैं और वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म अगोसपोर अरेस्टिंग थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर इसके अंदर मियॉसिस होगी और आपके पास स्पोर जमिनेट होंगे वी विल लुक एटेड इन अल्सो फोर्थ फोर्थ इज फर्माटाइजेशन एंड फिफ्थ इज टोमेटो गेम इज टोमेटो गेम समझातेडवांस फीचर रीप्रोडक्शन ठीक है कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी ये पोर्शन मेरे साथ क्लास में किए थे लास्ट क्लास क्विकली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट वेर इन द लास्ट क्लास टू कवर दिस टॉपिक हां जी ओके okay. चलिए शाबाश काफी बच्चे हैं परफेक्ट ओके डन 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 थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक ये जितनी भी बात मैंने अभी तक पीछे करी बेटा इसका डिटेल्स मैंने रिवीजन कराया है फटाफट ये सारा कुछ हमने पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ा था तो जो फंजाई का फर्स्ट पार्ट है आप उसको रेफर कर सकते हो ठीक है या लेक्चर नंबर सेवन नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन एंड हम देखते हैं क्लासिफिकेशन फंगस की जो क्लासेस लेवल क्लास लेवल पे क्लासिफिकेशन हो रही है इट इज बेस्ड ऑन थ्री पैरामीटर्स पहला मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम माइसीलियम क्या होता है वो पतले पतले धागे का पूरा जाल है ना द माइसीलियम द नेटवर्क ऑफ हाइफी वो कैसा दिखाई देगा तो पहला फीचर तो हुआ मोर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम दूसरा फीचर फंगस इज नोन फॉर मेकिंग स्पोर्स फंगस को हम जानते ही स्पोर फॉर्मेशन के लिए है ठीक है इट इज नोन फॉर मेकिंग स्पोर्स एंड दैट इज इज इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोर्फॉलॉजी ऑफ माइसिलियम एंड सेकेंड स्पोर फॉर्मेशन और ये स्पोर कहा बनते हैं कैसे दिखते हैं कैसे स्ट्रक्चर में बनते हैं दैट इज ओन एज फ्रूटिंग बॉडी ठीक है इसकी माइसिलियम कैसी दिखती है इसका नेटवर्क और इसका जाल कैसा दिखता है फिर कैसा स्ट्रक्चर बनता है जो स्पोर बनाएगा और किस तरीके के स्पोर्स बनेंगे इन तीन बेसिस पे मेजरली हमने फंगस को डिवाइड किया इनटू फोर बिग क्लासेस ठीक है फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिटरियोमाइसिटीज नाउ फाइकोमाइसिटीज जो सबसे पहले वाला है इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया इनटू टू ठीक है तो आप बोल सकते हो चार जैसे एनसीआरटी ने बोल दिया चार या आप पांच भी बोल सकते हो बिकॉज दिस इज नाउ फॉर्दर डिड इन टू उडियो एंड टेरो कुछ अलग अलग नाम भी हैं वॉट आर दे ऑल्सो नोन एज उज इज ऑल्सो नोन एज एलगल फंगी Zygomycetes is also known as conjugation fungi. Asco is known as sac fungi. Basidio is known as club fungi. And Detero is known as fungi or fungi. इम परफेक्ट इम परफेक्ट आई ठीक है ये हमारे पांच मेन पॉइंट्स जो आज हमें पढ़ने हैं इज अ फाइव मेन पॉइंट्स दैट टुडे वी विल स्टडी इन डिटेल्स ओके या मुझे एक बात बताओ 12th वाले बच्चों को समझ में आता है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं टर्म एग्जाम के ठीक है तो क्लास में नहीं आ रहे 2021 का सदमा भूल गई है लग रहा है जनता है ना जो सोच के ड्रॉप लिए थे तुम लोग पागल जैसे चिल्लाए थे कि हमारे लिए कोई बैच ले आओ हमको कोई ड्रॉपर बैच पढ़ा दो हमको कोई ड्रॉपर बैच पढ़ा दो आई थिंक अक्रॉस चैनल्स अक्रॉस यूट्यूब मेधावी बैच इज वन बैच विच इज गोइंग इन सिक एंड एज प्रोमिस्ड है कि नहीं एकदम वैसे ही चल रहा है जैसे बोला गया था पर सब्जेक्ट सारे टीचर्स रेगुलरली क्लास ले रहे हैं कुछ आगे पीछे जरूर होता है और सबके साथ होता है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि इधर की तरफ रोबोट नहीं है ना या प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है कि पहले से भैया तीन चार साल पहले रिकॉर्ड किए थे वही चला दे हम दोबारा ऐसा नहीं है ना ऑल द टीचर्स ऑफ मिधावी बैच आर एब्सुलटली रेगुलर ऑन यूट्यूब जो एक दो दिन का गैप मिलता है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना बैकलॉग कवर करने में या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बट अगर ऐसे काम चलेगा दैट यू डोंट इवन रियलाइज एंड रिकोगनाइज हाउ मच एफर्ट गोज इन टू मेकिंग ईच वीडियो कभी जाके कॉलेज में जब पहुंचोगे ना जब डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की प्रेजेंटेशन देने को बोलेंगे प्रोफेसर्स तब बता कि कैसे डेढ़ घंटे तीन घंटे का लाइव ले जा रहे हैं टीचर्स ठीक है तो मैं ये बात रिपीट कर रही हूं प्लांट फिजियोलॉजी विल ओनली स्टार्ट ऑन यू ट्यूब ऑन दिस चैनल इफ आई सी फाइव हंड्रेड प्लस लाइफ क्योंकि अगर आप लोग सीरियस नहीं हो तो मैं भी सीरियस नहीं होंगी फिर ऐसे काम चलेगा विल दैट डू कमिटमेंट तो मेरी तरफ से तुम्हें हंड्रेड परसेंट चाहिए बट अपनी तरफ से यू नॉट गोइंग तो टू गिव दैट कमिटमेंट बैक ठीक है तो ये सोच लेना बाकी लोगों को बता देना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सिर्फ दो लेक्चर रह गए हैं अगले दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे नवंबर के साथ साथ सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी इलेवेंथ का बचेगा

समवेर यू ऑल्सो हैव टू पुल अलॉट ऑफ पीपल विथ यू एट द एंड ऑफ द डे बेटा मैं भी यहां पर हूं आई हैव सेवन लेक्चर्स टूडे सात लेक्चर्स है मेरे सेवन लेक्चर्स चलिए

और एंथ्रीडियम है बेटा उगोनियम एंथ्रीडियम ठीक है और इसकी जो हाइफी होती है ना ये देखो यहां पे इसका दिख रहा है आपको इसका जो माइसीलियम है दैट इज एसेप्टेट और बिना सेप्टा के अगर होता है तो मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन होगी इट इज सीनोसिटिक इट इज सीनो

डर गो मियोस टू फॉर्म स्पोर्स अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ये फटेगा जाइगोट जॉमिनेशन भी हो सकता है या इसके अंदर मियोसिस भी हो सकता है जो आपके पास आगे आ गया मियोसिस एंड देन अगेन बैक ठीक है लीड्स फॉर्मेशन ऑफ फैलेगा फिर जर्मिनेशन होगा फिर फ्यूजन होगा फिर से वही साइकिल तो प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी मियोसिस एंड अगर सेक्सुअल सेक्सुअल ये तो साइकिल हुई ए सेक्सुअल साइकिल में घूमोगे तो जू स्पोर्स बनेंगे ए सेक्सुअल स्पोर्स ए सेक्शुअल ठीक है दिस इज वॉट यू हैव टू राइट ये आपको लिखना है ठीक है आप मेरे साथ लिख सकते हो साथ के साथ लिखोगे तो ज्यादा बेटर है वट यू हैव टू डू ऑन वन सिंगल शीट ऑफ पेपर यहां बता देते ले मतलब मेरे पास तो छोटी डायरी है आप लोगों के पास रजिस्टर्स होंगे ना पूरा ऐसे लेना इस पेज को तो यू विल ट्रीट दिस एज वन हाँ यू विल ट्रीट दिस एज वन तो यहां पे मार्जिन जो है आपके पास उसमें आएंगे कैरेक्टर्स तो द फर्स्ट लाइन इज गोइंग टू बी ऑफ कैरेक्टर्स पतली बनाना है क्योंकि हम कैरेक्टर छोटा ही लिखेंगे ऑब्वियसली देन कम्स वो जाइगो एस्को मसीडियो एंड तो तीन कॉलम इस पेज पे बनाओ तीन कॉलम इस पेज पे बनाओ और इस पूरे को एक के जैसे ट्रीट करना ताकि सामने एक बारी में पूरे के पूरे फंगस का एक ही बारी में कंपैरिजन क्रिएट हो जाए है ना अगर आप इधर लिखोगे बेटा एक पेज पे देखो सिर्फ इतने इतने पे लिखोगे तो एक पेज पे छह कॉलम बनाओगे बहुत छोटा छोटा लिख पाओगे बहुत छोटा छोटा लिख पाओगे ना तो वो मत करना टेक अ होल कंप्लीट टू पेजेस इन फ्रंट ऑफ ईच अदर थ्री कॉलम्स ईयर थ्री कॉलम्स ईयर कैरेक्टर जाइगो इस पे एसको बेसिडियो डिटेरो चले, लेट्स गो हाँ जी कहाँ थे हम ओ माई सिटीज के पॉइंट्स पे सबसे पहला पॉइंट ओ माई सिटीज का माइसीलियम माइसीलियम मतलब उसका धागा एक एक रेशा जब वो गुच्छा बन जाता है तो अगर उस माइसीलियम के अंदर घुस जाऊं मैं तो मेरे को हाइफी मिलेगा और उसमें घुस जाऊंगी तो मेरे को क्या दिखाई देगा आई विल सी अटेड सीनोसिटिक सीनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एज आई सेड इन द लास्ट क्लास मैं अलग से सारे टर्म्स बता रही हूँ जो कि ये सारे लास्ट क्लास में बताए गए थे जो बच्चा लास्ट क्लास में साथ था उसके दिमाग में एक सेकेंड में छपेगा जो नहीं था वो आज जाके दोबारा देखेगा और फिर इस सेशन को दोबारा देखेगा ठीक है ये काम नहीं चलने वाला कि आओ भाई बैठ गए कीर्तन है गा लिए वही गाने दोबारा ना क्स्ट एसेप्टेट क्योंकि सेप्टा नहीं है डिवीजन नहीं है इसलिए मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन मल्टी कंडीशन सेकेंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेडअप सेल्यूलोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये अकेला फंगस है जिसके अंदर वॉल आपका सेल्यूलोज का बना है वन अ फंगस का वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन याद आया फंगस का जो वॉल है बच्चा दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन ओमाइसिटीज के मेंबर्स में सेल्यूलोजिक वॉल cell होता है दिस इज डिफरेंट एंड वी हैव टू रिमेंबर इट थर्ड प्राइमरी माइसिलियम ना वॉट डू यू मीन बाई प्राइमरी माइसीलियम स्पोर गिरता है ये स्पोर हल्का सा ओपन होता है और इसमें से फंगस का हाइफी निकल आता है सो दिस इज कॉल्ड एज जॉमिनेशन ऑफ स्पोर ठीक है स्पोर से जो सीधे सीधे मेरे पास हाइफी निकली इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम जिसको वन डिग्री से रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने प्राइमरी माइसीलियम इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एसेक्शुअल स्पोर्स बनवा सकता है ठीक है फिर आता है सेकेंडरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम यूजली इज अ प्रोडक्ट जब आपके पास दो माइसीलियम ऐसे आ जाए या किसी तरीके से आपके पास डिप्लॉइड कंडीशन इस माइसीलियम में आ जाए इट इज मेजरली इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसे उगोनियम और एंथरीडियम ठीक है उगोनियम था एंथरीडियम था फर्टिलाइजेशन करा सारे के सारे सेल्स अंदर पहुंच गए न्यूक्लिया अंदर पहुंच गए इनमें फ्यूजन हुआ सब डिप्लॉइड है अब ये तुरंत करा के आपको स्पोर बनाएगा, तो इसने कभी भी एन प्लस एन या टू एन हाइफी नहीं बनाई है है ना एन प्लस एन और टू एन वाला हाइफी नहीं बनाया है तो एप्सेंट दिस इज सेकेंडरी माइसीलियम इज एप्सेंट जिसमें कि यूजली एन प्लस एन मतलब डाई कैरियॉन स्टेज या फिर डिप्लॉइड कंडीशन हो और हम ज्यादातर मानते हैं एन प्लस एन का प्रेजेंस ठीक है यहाँ पे सेकेंडरी माइसिलियम से लेना देना है एन प्लस एन का एन प्लस एन इज डाई कैरियॉन फेज अगर ऐसी कोई माइसीलियम बन रहा है ऐसा कोई हाइफी बन रहा है जिसमें एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लिया बैठे हैं एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लिया बैठे हैं तो उसको सेकेंडरी माइसिलियम कंसिडर करेंगे हम बट ऐसा यहां कुछ भी नहीं होता है ठीक है तो आई हैव ओनली डोमिनेंट प्राइमरी माइसिलियम नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स का डिटेल लास्ट क्लास में डिस्कशन में लिया था जू स्पोर्स आर मोटाइल बाय फ्लाजलेट एंड क्योंकि वो एक कवरिंग के अंदर बनते हैं तो इनको हम बोलते हैं एंडोजीनस स्पोर्स एंडोजीनस स्पोर्स इनके पास दो प्लाजिला होते हैं मूव करने के लिए बाई बाइफ्लाजिलेटेड और दोनों प्लाजिला एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं हेटरोकॉन्ट ये वर्ड हमने बहुत बार यूज किया था इन और यूग्लेनोइड्स के लिए हमने बार बार हेटरोकॉन्ट वर्ड यूज किया था ठीक है फिर डाई प्लानिटिज्म मतलब दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स एक गोल और एक नॉर्मल पेयर शेप्ड ठीक है एक स्पेरिकल हो सकता है और एक थोड़ा सा अनाज पत्ती जैसा दिखता है ठीक है प्योर शेप्ड पॉइंट नंबर सिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वाया बायमिटांजियल कॉन्टैक्ट गेमिटांजियल कॉन्टैक्ट कौन सा है ये जिसमें उगोनियम है और उगोनियम के साथ साथ एंथ्रीडियम का प्रेजेंस है

याद आया नेक्स्ट एट सेक्शुअल स्पोर्स फॉर्म सेक्शुअल स्पोर वो होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने तो जब आपका उम्र के अंदर एंथ्रीडियम का सारा तामझाम पहुंचा न्यूक्लिया वगैरह पहुंचा उस टाइम पे इट फॉर्म्स फॉर्म्सॉट एंड दैट जाइ इज नोन एज ऊस जो कि डिप्लॉइड है इस उपोर में मियोसिस हो जाएगा तो साइट ऑफ मियोसिस मियसपोर

अगर बाय चांस कोई बच्चा ऐसा है जो एनसीईआरटी टी रीडिंग ढूंढ रहा है इसकी बेटा एनसीईआरटी टी करके मैंने सीरीज ली थी उसमें हमने छोटे छोटे पोशनस किए थे यू यू हैव टू नो इन्वेस्ट टू मच टाइम इन टू इट जिस है पंद्रह पंद्रह मिनट ठीक है एग्जाम्पल्स ऑफ ओ माई सिटीज के एग्जाम्पल example. एग्जाम्पल्स ऐसे जो बार बार रिपीट होंगे थ्रू आउट योर सिलेबस अभी इलेवेंथ में आए फिर ट्वेल्थ में भी आएंगे आगे भी आएंगे तो ये कंटिन्यूड रहेगा बेटा प्रोसेस ठीक है दिस इज अ प्रोसेस नोन टू हैव कॉज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड ग्रेट आयरिश फेमाइन ऑफ फाइव एंड एटीन ठीक है फाइवरा इन्फेस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपके पास ट्वेल्थ क्लास में स्ट्रैटेजीज इन समेंट वाले चैप्टर में भी वापस लौट के आएगा तो ये ध्यान रखना है नेक्स्ट एल्ब्यूगो कैंडेडाइट हाउ नेम दूसरा था इसका नाम पहले ठीक है तो नाउ इट इज नोन एज एलब्यूगो कैनेडा एंड कॉज इज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंगल स्पीशीज दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट ठीक है इसमें व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे स्पोर स्पोर्स बन जाता है नीचे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स क्रूसिफर्स क्या है बिलोंग्स टू ब्रासिकेसी फैमिली अब मेरे से पूछेंगे बच्चे ब्रासिकेसी फैमिली क्या होता है तो हमने मोरफॉलोजी पढ़ा था ब्रासिकेसी फैमिली हैज मस्टर्ड टर्निप कैबेज कॉलीफ्लावर सॉरी टर्निप ठीक है नेक्स्ट फाइथियम डिबे ये दोनों ऑप्शनल है पहले वाले दो याद करने ही करने हैं ये दोनों एप्सोल्यूटली ऑप्शनल फॉर यू नाउ नाउ डिबेरियम जो आपके पास फाइथियम है इसमें डैम्पिंग ऑफ होता है डैम्पिंग ऑफ डिजीजेस ये देखो ये रीजन आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे मुरझा गए पेड़ मुरझाए नहीं है फंगल इन्फेक्शन है मुरझाया नहीं है फंगल इन्फेक्शन है ठीक है ऐसे ही स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कॉजेस डाउनी मिल्ड्यू इन सीरियल्स सीरियल्स लाइक बाजरा तो ये वाला आपका नॉर्मल है एविटा बाजरा ठीक है और ये वाला देखो अफेक्टेड है लुक एट उनका दोनों का फ्रूटिंग बॉडी वाला एरिया फ्रूट वाला एरिया है ना डिफरेंस बहुत तो दैट इज ड्यू टू फंगल इंफेक्शन कौन सा स्क्लेरोस्पोरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनी कोला ग्रामिनी कोला ग्रामिनी आ गया ग्रामिनी बिलोंग्स टू ग्रामिनी फैमिली ग्रामिनी फैमिली पोएसी फैमिली सीरियल्स ना वीट राइस मेज ये सब ठीक है बेटा ये दोनों ऑप्शनल है क्योंकि एनसीआरटी में नहीं है दीज आर टोटली ऑप्शनल इफ यू वांट टू स्टडी यू वांट टू ऐड ओके नहीं तो इन्फेस्टेंस एंड एलबी कैंडिडा तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों अगला मूविंग ऑन टू जाइगोमाइसिटीज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना मेरी बात इसमें तो और इजी हो जाएगा नंबरिंग दी हुई है ठीक है पहले लाइफ साइकिल देखो फिर इसके पॉइंट्स लिख लेंगे लाइफ साइकिल को देखो स्टार्टिंग विद वन आपके पास एक पॉजिटिव टाइप हाइफी है एक नेगेटिव आप बाहर से इसका मतलब देख के नहीं बता पा रहे हो मेल और फीमेल कौन सा जो कि फंगस में हमारे लिए वैसे भी बहुत बड़ा इशू है हमें बाहर से देख के नहीं पता चलता मेल फीमेल कौन है या तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बने और बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है तो कहानी अपने आप नीचे डूब गई सारी की सारी ठीक है तो यहां पे आया मेल फीमेल जस्ट टू डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट उसमें से एक छोटा सा बल्बस एक्सटेंशन आता है और वो बना देता है कैमेटांजिया विद है टानजिया भी नहीं बोलूँगी मैं इसको लेट्स कॉल इट एस इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था सीनो सीनोगेमीट्स बहुत सारे न्यूक्लियाई वाले गेमीट्स ठीक है इसका मतलब इसकी जो हाइफी है उसके अंदर सेप्टा नहीं है तो ये भी एसेप्टेट सीनोसिटिक हो गई वर्ड्स बहुत भारी लग रहे होंगे अगर आप पहली बार क्लास में आए हो उनके लिए ज्यादा आसान होंगे जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने यही बोला था आज एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी आज टर्म्स बताऊंगी तो इन द प्रीवियस सेशन दैट इज सेवंथ लेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आई एम बार बार रिपीटिंग दिस पॉइंट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड फंगस और उसके लिए पहले बाहुबली वन और टू को अगर देखना है तो बाहुबली टू पहले देख लो फिर वन देख लेना ऑर्डर में है ठीक है तो बाहुबली वन देखोगे अगर तो आज का सेशन देखने के बाद दोबारा देखोगे हो गया उल्टा पुल्टा फिर वही क्वेश्चन कटप्पा ठीक है आंसर अगर सही ऑर्डर में चाहिए तो बाहुबली टू एंड देन वन ऐसे यहाँ पे लाइक चो वन टू ऑर्डर में देखो सही ऑर्डर में देखो तो सवाल नहीं उठेंगे दिमाग में ठीक है अब ये फ्यूज कर गया जैसे ये फ्यूज कर गया आपके पास बनता है बेटा ये कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है ये सारा का सारा काम जो हुआ ये सारा देखा हुआ लग रहा है क्यों क्योंकि ये हमने पढ़ा गैमिटांजल कॉन्टैक्ट में कॉप्युलेशन में गैमिटांजल कॉप्युलेशन में हमने यही प्रोसेस पढ़ा था दो हाइफी साइड बाय साइड आएंगे उनका गेमिट फ्यूज करेगा और एक वॉल जाइगोस्पोर बनेगा राइट ये करते कर हम पहुंचे यहां पे ठीक अब अनफेवरेबल कंडीशन है ये ऐसे बैठा हुआ है बैठा रहेगा बैठा रहेगा बहुत टाइम तक बैठा रहेगा ठीक है थीके? बहुत टाइम तक बैठा रहेगा एंड उसके बाद एक बार बोलेगा कि चलो अब फेवरेबल कंडीशन आ गया अब जर्मिनेट करते हैं तो इट विल जर्मिनेट तो कैरियोगेमी होगा प्लाज्मोगेमी यहाँ हुआ था काफी टाइम हुआ है कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी के बीच ठीक है कैरियोगेमी हुआ मियोसिस हो गया मियोसिस से एक कैविटी बनती है ऊपर जिसमें मियोसिस होता है और सारे स्पोर्स उसमें से निकल के बाहर गिरते हैं सो स्पोर्स स्पोर्स आर ठीक है ये स्पोर्स जो हैं ये स्पोर्स हैं और ये आगे जाएंगे आपके अलग दो माइसीलिया बना देंगे तो ये हुई इसकी सेक्शुअल साइकिल ठीक अब यहाँ आओ जो स्पोर गिरा वो एक हाइफी बनाता है फेवरेबल कंडीशन चल रही है कुछ अलग नहीं करने की जरूरत मुझे सब कुछ ऑप्टिमम चल रहा है तो हम उससे ए सेक्शुअल बनवा लेंगे एंड स्पोर्स विल बी नोन दोजिया ठीक है स्पोरजियो फोर याद है आपको स्पोरजियो स्पोर्स बनेंगे यहां पे इस कैविटी के अंदर स्पोरजिया वाली कैविटी के अंदर आपको मिलेंगे स्पोरजियो स्पोर्स जिसका अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो हमने एक छोटा सा कॉल्यूमेला बनाया था कवर्ड स्पोर बनाए थे सब कुछ अंदर 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 है ना? चलो अब इसके पॉइंट्स देखो, आई बेट ऑन इट जो बच्चा आज की क्लास में पहली बार आया ये यहां से जा रहा होगा है ना हवाएं बहती जा रही है लेकिन खोपड़ी के ऊपर से कोई ठंडी हवा का मजा नहीं ले पा रहे हो तुम ठीक है इट विल बिकम अमेजिंगली इजी अमेजिंगली इजी व्हेन यू गो इन ऑर्डर तो जो बच्चे पहली क्लास देखे थे उनको ये शब्दों का मतलब समझ में आ रहा होगा और सारा खेल सिर्फ टर्मिनोलॉजी का है सिर्फ नए टर्म्स का है नए टर्म्स का मतलब पता है तो अपने आप अगला पॉइंट पता है ठीक है लेट्स गो एंड राइट द पॉइंट्स डाउन फर्स्ट माइसीलियम कैसा है एज आई टोल्ड यू मल्टीपल न्यूक्लिया का गेमीट बन रहा है मल्टीपल न्यूक्लिया का गेमीट इज वेरी वेरी रेयर क्योंकि एक गेमीट में एक ही होता है यूजुअली है ना तो ए इसके पास सेप्टा नहीं है तो कंडीशन इज नथिंग बट मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन नेक्स्ट अब आ गई सेलवॉल सेलवॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन वेरी ऑब्वियस सारे फंगस के अंदर ऑल द दैट वी वी हैव हैव काइटन का, का सेलोन तो यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है मेरे पास नेक्स्ट प्राइमरी माइसिलियम प्राइमरी माइसिलियम इज रहता है, वाला mycelium. Mycelium, जो कि N +N वाली है वो कभी आया ही नहीं वो कभी आया ही नहीं पूरे लाइफ साइकिल में इसमें था इसमें मियोसिस करा दिया स्पोर गिर गए वापस आ गया ही है माइसिलियम हमेशा हमेशा वो धागे हैप्प्लॉइड हैप्लॉयड हाप्लॉयड ये है बस मल्टी सेल्यूलर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं लेकिन किसी एक सेल एक के अंदर दो न्यूक्लियस नहीं है एक सेल में दो न्यूक्लियस होना डाई स्टेज है एन प्लस एन है सेकेंडरी माइसीलियम है वो नहीं है फिफ्थ ए सेक्शुअल स्पोर ए सेक्शुअल स्पोर आर स्पोरजियो स्पोर्स स्पोरानजियो स्पोर्स आर फॉर्मड इन साइड अ कवरिंग तो एंडोजीनस और इनके पास नहीं होता तो नॉन मोटाइल ना? आया याद ठीक है अगला पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी जस्ट पीछे देखा गैमिटांजल कॉप्युलेशन गैमिटांजल कॉप्युलेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन ऑफ फंगस इसलिए इसको कॉन्जुगेशन फंजाई कहते थे देखो स्टार्टिंग में लिखा है मैंने कॉन्जुगेशन फंजाई कहते थे है ना कॉन्जुगेशन फंजाई कहते थे ये वही है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर दो अलग अलग दो अलग अलग ऐसे गेमिट्स बन रहे हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है मल्टी न्यूक्लिएटेड क्योंकि आपके पास धागा ही ऐसा है जिसमें कोई डिवीजन नहीं है जब कोई डिवीजन नहीं है तो मल्टीपल न्यूक्लियर ठीक है जो बच्चे रेगुलरली क्लास में आते हैं बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूं ठीक है आप ऑनलाइन पढ़ो या आप ऑफलाइन पढ़ो आप पे डिपेंड करता है हाउ गुड और हाउ मच एडवांटेज ऑफ थिंग्स यू टेक लिख भी लो साथ के साथ जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक लिख लो जितने भी टीचर आपको यहां ऑनलाइन में अब पढ़ाते हुए दिखते हैं मेजोरिटी टीचर्स ऐसे हैं जिनका एट मिनिमम मैं बोल रही हूँ चार या पांच साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होगा है ना तो चार से पांच साल का मिनिमम मतलब एक्सपीरियंस ना मतलब कहीं ना कहीं ऑफलाइन में पढ़ाए हुए हैं अलॉट ऑफ टीचर्स दैट आर टीचिंग राइट नाउ ऑन यूट्यूब हैव टॉट अर्लियर इन एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑल्सो ठीक है तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट लेके बैठना कि नहीं मैं यहां से 200 किलोमीटर दूर जाऊंगा दो घंटे ट्रैवल करूंगा तभी मुझे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है ठीक है और किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम किसी भी जगह का नाम वहां के टॉपर की वजह से बनता है कि यहां से टॉपर निकलते हैं एंड ये बात याद दिला दू अच्छे से कि किसी भी टॉपर कि वहां पर होना किस्मत की बात है ठीक है क्योंकि कोई भी बच्चा जो एम्स में फर्स्ट टॉप टेन रैंक में आ रहा है या एम्स दिल्ली में घुस जा रहा है एडमिशन ले रहा है वो बच्चे को पढ़ाई करना पसंद है उसको पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है मेहनत मांगता है एक टीचर से अलग तरीके से सोचने का ट्विस्ट मांगता है क्योंकि जो क्वेश्चन वो बच्चा करेगा शायद कोई जनरली एवरेज बच्चा या अब एवरेज बच्चा भी नहीं कर पाएगा सो टू डीलडी डिफरेंट एक्सट्रॉर्डनरी माइंड दैट इज द फंक्शन ऑफ अ टीचर देयर बेसिक कॉन्सेप्ट तो यू ही समझ गया ठीक है तो भीड़ जहां जा रही है हमें वही जाके मौका मिलेगा और हमें वहीं जाके बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा ये बात सच नहीं है इट इज यू हुक देस्ट आउट ऑफ थिंग्स मैं पॉइंट पढ़ने को और कभी भी ये ध्यान रख लेना कोई एक जगह से नहीं पढ़ रहा होगा किसी भी टॉपर से पूछ लेना किसी एक जगह का नाम नहीं लेगा क्योंकि वो चार जगह से पढ़ रहा होगा पक्का और वो काम तुम्हें नहीं करना है पहले कॉन्सेप्ट को समझो सॉलिडिफाई करो एंड देन गो ए हेड नॉट जस्ट से आई एम से हंड्रेड रैंक्स को भी बनाने में बच्चे की मेहनत एट्टी है द चाइल्ड इज गिविंग एट्टी परसेंट बाकी दस परसेंट उसके घर पर क्या कंडीशन है उससे बनता है और दस परसेंट जहाँ वो पढ़ा उससे बनता है क्योंकि वो बच्चा कंसिस्टेंट था उसने कोई क्लास नहीं मिस करी जितने क्वेश्चन उसको दिए गए उसने करे उसका क्रेडिट बहुत ज्यादा हाई है तो इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर और नॉट उसमें तुम्हारा परसेंटेज ऑफ मेहनत इज वेरी वेरी हाई एंड आस्क योर सेल्फ आर यू गिविंग योर एट्टी परसेंट टू इट ठीक है लेक्चर पढ़ा देना मेरा काम है बट कितना होता है आपने देखा होगा कितना होता है बायोलॉजी के अंदर कि इसको समझने के लिए टीचर ही चाहिए आई थिंक फिफ्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस ऐसा है जो आप अपनी मर्जी से अपने पेज पे भी कर सकते हो सिर्फ प्योर अंग्रेजी है जैसे इंग्लिश की किताब पढ़ते हो इंग्लिश की ट्यूशन नहीं लगाते हो ना हिंदी इंग्लिश की ट्यूशन नहीं लगा रहे हो ऐसा ही बायो के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स है जिसकी सिर्फ रीडिंग लगाओगे तो ही समझ में आ जाएगा ठीक है आई वॉन्ट योर कमिटमेंट टू बी कॉन्स्टेंटली देअ क्योंकि तुम लोगों को बोलने का ये फायदा क्या है यहां पे जितने भी बच्चे बैठे हैं इनके अंदर से अगर पचास परसेंट के अंदर भी ये बात क्लिक कर गई ना कि ये मेरा प्रॉब्लम है यू गेट अ हेड ऑफ दोज आदर फिफ्टी परसेंट और हंड्रेड परसेंट लॉट दैट यू लॉस्ट सेकेंड लेक्चर में मोटिवेट योर सेल्फ की कम से कम रोज क्लास में जाते रहा हूं। यहां तो आधे ऐसे हैं जो तो आते ही नहीं पता नहीं कहाँ है रोज अलग जगह बैठते हैं ठीक है तो नोट्स साथ के साथ इसलिए कंप्लीट होने हैं क्योंकि 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आप इलेवेंथ क्लास में हो तो टू इयर्स फ्रॉम नाउ तुम्हें आज से दो साल पहले की बात याद है तुम्हें यह याद है कि तुमने नाइन्थ में किसी से क्या पढ़ा था और उस नोटबुक में क्या था और क्या टॉपिक समझाया गया था किस ऑर्डर में नहीं तो इसलिए ये समझना जरूरी है इफ टारगेट इज ऑलमोस्ट इयर अहेड तो मुझे थोड़ा नोट्स ढंग से लिखने पड़ेंगे क्योंकि मुझे वापस इस पर आना पड़ेगा ठीक है तो आई होप दैट योर नोट्स आर गोइंग अलोंग विद इट एंड आस्क योर सेल्फ हाउ मच मेहनत आपकी जा रही है क्वेश्चन योर सेल्फ दैट क्वेश्चन सॉल्व करना क्लास में प्रेजेंट होना अटेंडेंस होना रेगुलरिटी होना कंसिस्टेंसी होना ये सारे फैक्टर काम करते हैं टूवर्ड्स क्लियरिंग नीट क्योंकि पेपर तो सबने करा हुआ है बेटा एनसीईआरटी पढ़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सबने पढ़ी हुई है है ना सोलह लाख बच्चे पंद्रह लाख बच्चे पंद्रह लाख के पंद्रह लाख के पास एनसीईआरटी है एनसीईआरटी सी उनने पढ़ी है पलटे हैं पेज वेर डू यू स्टैंड दैट मेक्स यू डिफरेंट आस्क योरसेल्फ नेक्स्ट पांच क्वेश्चन पीछे कितने पॉइंट्स हो गए पांच या छह छह हो गए ना छह सेवेंथ पॉइंट कोई सेक्स ऑर्गन अलग से बना नहीं देयर इज एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स लेकिन हाँ पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन है ऑपोजिट स्ट्रेन्स है नो सेक्स ऑर्गन ऐसे एंथ्रीडियम वगैरह जैसा कुछ नहीं बना है एंथ्रीडियम ऊगोनियम जैसा कुछ भी नहीं बना है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं बना है हमारे पास अगली बात एट सेक्सुअल स्पोर्स दोनों के दोनों प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी करके एक थिक वॉल स्पोर बना था वो थिक वॉल स्पोर क्या था रेस्टिंग रेस्टिंग क्यों बोला? वॉल्ड और ये अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड कराने के लिए भी हेल्प कराएगा अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सरवाइव करने में मदद कराएगा समझे परफेक्ट नेक्स्ट टेंथ जब यही वो पॉइंट है सॉरी नाइन्थ जब यही वो पॉइंट है जहां पे आपके पास डिप्लोइड कंडीशन है फ्यूज करके आपके पास सेक्सुअल स्पोर जाइगोस्पोर बना है तो जाइगोस्पोर में ही मेयोसिस हो जाएगी साइट ऑफ मेयोसिस जाइगोस्पोर फ्रूटिंग बॉडी कुछ नहीं बना एंड डाई कैरियन स्टेज भी एब्सेंट क्योंकि n प्लस n कंडीशन बनी ही नहीं है ना बनी ही नहीं बेटा क्लियर ठीक है आई थिंक फीचर्स वाला पॉइंट तो कैरेक्टर्स में चल ही रहा है बस आपको इतना इतना साथ के साथ लिखते चलना है क्वाइट क्लियर नेक्स्ट एस को माइसिटीज ओ एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसके दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चे ये दोनों एग्जाम्पल आपको एनसीआरटी में मिल जाएंगे राइजोपस राइजोपोफर राइजोपर टोलोनिफर इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड जो बचपन से आप ब्रेड पे फंगस देख रहे हो एग्जाम्पल्स को याद करने का लेट योर पेरेंट्स एंड फैमिली नो हर बार ब्रेड खाते हैं बट कीप टेलिंग पीपल एग्जाम्पल्स जो एक्चुअली आप रेगुलर डे लाइफ में देख सकते हो ठीक है म्यूकर कर अनदर एग्जाम्पल ऑफ पिन मोल्ड और डंग मोल्ड यूजली आपके पास काउडंग लग जाएगा दोनों इंपॉर्टेंट है दोनों इंपॉर्टेंट है दोनों इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों का एग्जाम्पल आपको एनसीआरटी में मिलेगा अब एनसीआरटी ने देखा क्या खेला है तुम्हारे साथ एस्को में सॉरी फाइको माइसिटीज में ऊ माइसिटीज और जायो माइसिटीज का जो इतना खतरनाक खिचड़ी बना के लिखी है कहाँ खत्म हुआ फाइको कहा शुरू हुआ जाइगो एस्को क्या हुआ दिस जस्ट वन सिंगल पैराग्राफ तो मैम इतना पढ़ने की क्या जरूरत है क्वेश्चन एन से ही आएगा बट अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी समझे मेरी बात अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम इतना जानते हो तो उसमें से इतना तो याद रह ही जाएगा जब तुम इतना ही जानते थे तो उसमें से इतना सा याद था एंड And... नमस्कार अब हो गया काम खत्म समझे बात मेरी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान ज्यादा नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज नाउ दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग यहां पे फंगस थोड़ा ट्विस्ट मारता है और कॉम्प्लीकेट होता है अभी तक सिंपल लाइफ साइकिल चल रहा था अब फंगस क्या हुआ एक स्पोर गिरा था जर्मिनेट किया उसमें से स्पोर हमारा ठीक है हमारा स्पोर मस्त होगा इधर से आ रहा है प्राइमरी माइसिलियम इधर से आ रहा है प्राइमरी माइसिलियम प्राइमरी माइसिलियम मीन हेप्लॉइड ठीक है सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लियस है और वो हैप्लोइड है इधर से ग्रो किया इधर से ग्रो किया ग्रो किया ग्रो किया ग्रो किया ये पहुंचा ठीक है कुछ तो ऐसा हुआ है चाहे वो कोई भी तरीका हो मैं तरीका नहीं बोल रही इट कुड बी एनी मेथड ऑफ ए सेक्शुअल ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि पीछे क्या मिटेंजल कॉन्टैक्ट था स्पर्माटाइजेशन uh, था बहुत सारे अलग तरीके आजको यूज करता है टू तो रीच टू तो अ पॉइंट जहां पे वो दो सेक्स ऑर्गन बनाएगा एस्कोगोनियम एंड एंथ्रीडियम एस्कोगोनियम इज फीमेल एनथ्रीडियम इज मेल आप देखो स्पोर गिराया है बेटा ये स्पोर में जोमिनेशन हुई माइसिलियम आया ये आपस में फ्यूज कर गया टू फॉर्म टू फॉर्म एस्कोगोनियम एंड थ्रीडियम इनके बीच में कॉन्टैक्ट हो जाता है ठीक है इट कुड भी ड्यू टू कैमिटांचल कॉन्टैक्ट इट कुड भी ड्यू टू स्पर्मेटाइजेशन अलग अलग तरीके से ये फर्टिलाइज करता है और इसके पास आ जाता है ये कंडीशन इसे हम कहते हैं डाई कैरियन फेस ठीक है तो जो प्राइमरी माइसिलियम था और सेकेंडरी माइसिलियम था ना प्राइमरी वाला हैप्लॉइड है सेकेंडरी वाला ये है दोनों ऐसे ऐसे ऊपर उठने लगता है ग्राउंड के साथ साथ फैल रहे थे अभी तो ग्राउंड के साथ साथ फैलने की जगह अभी ऐसे ऐसे आगे ऊपर टू फॉर्म स्ट्रक्चर और प्राइमरी माइसिलियम एन सेकेंडरी माइसिलियम प्राइमरी माइसिलियम इज मिलके ऐसे ऐसे करके गुच्छा बनाया यहाँ वेन दे फॉर्म दिस पर्टिकुलर बास्केट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एस्कोकार्प इसमें से मेरा फोकस इस पे है।, प्लेट तो है एन प्लस एन का कुछ खोले अब एन प्लस एन को मैं लेके आई हूं यहाँ पे एकदम टिप वाला सेल जो धागा ऊपर गया जो एन प्लस एन था उसका एकदम टिप वाला सेल इज कॉल्ड एस्किस के अंदर आपको दो अलग टाइप के फंक् न्यूक्लिया दिखेंगे एन प्लस एन पूरे धागे में होंगे ये यहां पहुंच के टिप वाले सेल को एस्कस बोला मैंने इस एस्कस के अंदर ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे प्लाज्मो गेमी हुई थी इधर हो रही है इधर सच ह्यूज टाइम स्पैन देखो ना कितनी देर में हो रहे तो काफी टाइम ले गया दैट मीन डायरियोन स्टेज आई और डायरियोन की फंगस की हाइफी भी बनी वो धागे भी बने ठीक है ये करते कराते हम लोग पहुंचे एस्कस पे एस्कस के अंदर हो गया फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लिया कैरियोगेमी कैरियोगेमी हो गया तो मियोसिस कराओ मियोसिस कराओ तो इसी एस्कस के अंदर अब मेरे पास बनेंगे एस्का सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नो नो ये ठीक है ये स्ट्रक्चर क्या है एस्कस ये स्पोर्स क्या है एसकोस्पोर्स कैसे बने जब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डिप्लॉइड मियोसिस टू फॉर्म कर सकते हैं नंबर क्योंकि आप जानते हो एक फॉर्मेशन ऑफ फोर मैंने आठ बनाए हैं आठ कैसे हो गए मैम मतलब दो मियोसिस हुए क्या नहीं वन मियोसिस फॉर्म्स फोर देंगे जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ठीक है जस्ट टू इंक्रीज द नंबर टू माइटोसिस कराया increase कराया इंक्रीज नंबर इसमें से में ये सारे स्पोर्स बाहर गिरे सेक्शुअल कंडीशन है सेक्सुअल साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं क्या करूं तो हम ए सेक्शुअल स्पोर बना लेंगे एंड ए सेक्शुअल स्पोर वेरी इंटरेस्टिंगली फंगस का सबसे यूनिक स्पोर कोनीडिया इज प्रेजेंट विद एस्कोमाइसिटीज़ ठीक आजको माइसीडीज ठीक पॉइंट्स लिखो पॉइंट नंबर वन माइसीलियम इसका माइसीलियम सेप्टेट सेप्टेट विद सिंपल सेप्टा इफ यू रिमेंबर इट वाज लाइक दिस सिंपल सेप्टा सिंपल सेप्टा है तो अलग अलग सेल बन गए मल्टी सेल्युलर एक्सेप्ट ईस्ट बिकॉज ईस्ट इज यूनि सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर है ईस्ट नेक्स्ट वर्ल्ड मेडअप ऑफ काइटिन तो ये तो अब कंटिन्यूअस आगे तक चलेगा चाहे चारों के अंदर एक बार में लिख काइटिन ठीक है जाइो माइसिंड एस को बेस एंड ऑल आर ऑल आर बट शॉर्टलि ठीक है इतना ज्यादा नहीं रहेगा टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं है क्यों ज्यादा नहीं है अगर बेटा ये अकेला होता ना तो मैं इसको बोलती देख कितना टाइम तो है इट इज ऑलवेज कम्पेरेटिव अगर इसको मैं शॉर्ट शॉर्टलिफ्ट कह रही हूं जिसमें कि अच्छा खासा फ्लोटिंग बॉडी बनने तक भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखता है मुझे तो इसका मतलब कोई इससे भी महान बैठा है जो शायद सारी जिंदगी टू प्लस कैरियो तो में निकाल रहा में निकाल रहा तो ये मुझे ज्यादा कुछ लग नहीं रहा आई एम लाइक ओके है ना आई एम लाइक ओके नो प्रॉब्लम फिफ्थ एज एक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट इज कुनस एक्जोजीनस नॉन मोटाइल सारा पॉइंट्स हमने क्लास में करे हैं नॉन मोटाइल एंडल इन अरेन्जमेंट अभी दो बजे वाले टेस्ट के लिए आओगे ये मैंने मेधावी में भी सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ के सारा कवर करा दिया है तो चाहिए मुझे बच्चे सिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेटा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एज आई टोल्ड यू बहुत सारे तरीकों से हो सकता है एस्कोमाइसिटीज में तो प्लाज्मो इज जस्ट फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देन फ्यूजन गैमिटांजल कॉन्टैक्ट पॉसिबल है इसमें इसमेंटाइजेशन पॉसिबल है सोमैटोगेमी पॉसिबल है तो अलग अलग एग्जाम्पल नहीं सारे याद करने कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं याद करोगे तो ठीक है बट देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज नेक्स्ट सेवेंथ सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन फर्टिलाइजेशन होती है एक सेल बनता है जो एन प्लस एन है ये एक सेल से धीरे 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 सारे सेल्स बन जाते हैं उस पूरे माइसिलियम में जो N N eight, spore, में एन प्लस एन है एट सेक्सुअल स्पोर एस्को बेटा ये नहीं है एस्को आर हैप्लोइड ठीक है एस्कोस्पोर्स आर हैप्लोइड आधे नेगेटिव स्ट्रेन के आधे पॉजिटिव स्ट्रेन के मतलब एक तरीके से जेनेटिकली थोड़े डिफरेंट एक मेल एक फीमेल टाइप बन रहा है तो हाफ ऑफ देम विल बी नेगेटिव हाफ ऑफ देम विल बी पॉजिटिव फॉर्मिंग सेक्शुअल स्पोर्स नोन एज एस्कोस्पोर्स क्योंकि ये मियोसिस से बना साइट ऑफ एस्कस एस्किस बॉडी एस्कोकार्प धागा ये ये इधर से इधर ये पूरा गया और ये ये पूरा सा बन गया इसके अंदर दोनों तरह के माइसिलियम होंगे आपके ये ब्लैक वाला मान लो प्राइमरी है और ये रेड वाला सेकेंडरी है तो रेड वाले के ऊपर लास्ट वाला बल्बस हो जाता है और बनाता है आपके लिए एस्कस प्लूरल बना ये बना एस्कोकार्प एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज का फ्रूटिंग बॉडी कार्प फ्रूट एस्कोमाइसिटीज का फ्रूटिंग बॉडी एस्को कार्प एज एकदम टिप पे एन प्लस एन वाले के अंदर एज काय एज काय के अंदर ही मेरे पास दो हर एक में दो दो न्यूक्लियाय होते हैं डाई है एस्किस के अंदर ही कैरियोगेमी होगी और कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होगी मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स एंड दो स्पोर्स आर नोन एज एस्को स्पोर्स आर डिप्लॉइड सॉरी हैप्लॉइड एस्को स्पोर्ट दीज आर सेक्शुअल स्पोर्ट्स एंड स्पोर्स, और फिर बस्ट अनफेवरेबल कंडीशन है तो पूरा माइसेलियम मर जाएगा बस स्पोर बचेगा और जब स्पोर बचेगा तो ये स्पोर, तो स्पोर भक्के आएगा ग्रोथ कराएगा नाई कैरी स्टेज इज शॉर्ट लिफ्ट एंड हेंस सेकेंडरी माइसेलियम इज ऑल्सो शॉर्ट लिफ्ट Done. Clear. John, next.

एनसीआर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है तो जो भी मैं बोल रही हूँ अब सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी पूरा भर के आज को माइसिटीज में एग्जाम्पल दिए ठीक ना एस्परजिलटरी इससे भी एक टॉक्सिन निकलता है एसपरजिलिस से भी एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है ठीक है एस्परजिलिस नाइजर का बहुत बार नाम आएगा इन ट्वेल्थ क्लास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में नंबर ऑफ टाइम्स बहुत सारे इससे हम एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं एसपर जेलस नाइजर से और, और भी इकोनॉमिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोर्स ऑफ डाइस्टेज एंजाइम वगैरह ठीक है फिर नेक्स्ट एम ए क्या हो गया इधर एसपर जिल्स एम मॉरल्स मॉरल्स आर एडेबल डेलीकेसी है ठीक है खाते हैं हम इनको कहाँ गया मोरल्स रहा मॉरल्स एडेबल फंगस हाईली 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 महंगा तो मोरल्स आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड ट्रफल्स आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव ठीक है ट्यूबर एस्टिवम दैट इज अगेन एन एडेबल फंगस जिसमें आपने सुना होगा चॉकलेट ट्रफल केक बड़े प्यार से बोलते थे ट्रफल उसमें कोई ट्रफल नहीं है, है, है चॉकलेट ट्रफल केक होता तो तीन सौ रुपए का ना आता तीन सौ रुपए किलो इट्स वेरी एक्सपेंसिव वेरी रेयर टू फाइंड एंड ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव तो मैं यहां पे टी पे लिख दे रही हूं ठीक है ट्रफल्स ट्रफल्स एनसीआरटी में बफल्स दिया हुआ है टाइपिंग एरर है एक बार चेक कर लेना ट्रफल्स है ठीक नेक्स है नेक्स्ट आ गया हमारे पास पी पेनिसिलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनेसिलियम येरा पेनिसिलियम भी इसका मेंबर है कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हो आप पेनिसिलियम के बारे में कौन से किस जगह पे बिलोंग करता है फंगस है किस कैटेगरी को बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीस एक्सट्रैक्टेड एंटीबायोटिक फ्रॉम इट ठीक है पेनिसिलियम पेनिसिलियम ठीक है एस सैक्रोमाइसिस सर्विस इसिज सेक्रोमाइसिस योर ईस्ट बेकर ईस्ट एंड ब्रूअर्स ईस्ट कहा अपना ये रा ब्रेड मेकिंग और अल्कोहलिक बेवरेज मेकिंग में काम आता है सैक्रोमाइसिस सर्विस ये ही अम्बर ऑफ एस्क्रोमाइसिट मेंबर नथिंग बट ईस्ट डी आई है सामने ईस्ट ये ठीक है लास्ट न्यूरोस्पोरा न्यूरोस्पोरा रासा न्यूरोस्पोरा आल्सो फॉर्म्स पिंक ब्रेड मोल्ड और बहुत ज्यादा यूज्ड इन जेनेटिक स्टडीज इसीलिए इट इज आल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट प्लांट किंगडम किंगडम पहले नाम पड़ गया का ये ठीक है चाहे सारी जिंदगी वो बड़ा हो जाए फुट साढ़े छुट का हो जाए ठीक है एर साइफी इज समथिंग दैट इज ऑप्शनल कॉजेस पाउडरी मिल आप देख सकते हो उसके पत्तों पर देखो कैसे पाउडर पाउडर से आ गया सो so, पाउडरी मिल ज बाय एरसाइफी ऑप्शनल इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर इट एब्सोल्यूटली योर चॉइस तो जो मैंने सर्कल किए हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए जो कि कैंप स्टेशन में सारे ही आ गए एक तरीके से ठीक है ऑल दीज ऑलरेडी गिवन इन एनसीआरटी एनसीआरटी में नाम दिए हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि एनसीआरटी में नाम नहीं है। और मैम आप इतना एग्जाम्पल बता रहे हो सारे नाम एनसीआरटी के बोले मैंने कोई ऊपर नहीं बोला मैंने अपनी तरफ से नहीं चाहती तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन आए समझने का किसी चीज को ओके नेक्स्ट मैसीडियोमाइसिटीज मैसीडियोमाइसिटीज इज द मोस्ट एडवांस्ड कैटेगरी ऑफ फंगस दैट वी हैव एडवांस्ड कैटेगरी ऑफ फंगस दैट वी हैव ठीक है दो अलग हाइफी पॉजिटिव नेगेटिव कहा है हम पॉजिटिव नेगेटिव ये रहा पहला स्पोर गिरे स्पोर जर्मिनेट हुए फॉर्म्स हाइफी एक इधर पड़ा एक इधर पड़ा गोल-गोल घूमता जा रहा है एक पे गिर गया जिस पॉइंट पे क्रॉस किया वहां का वॉल डिजोल्व हो गया सोमैटो जिधर पॉइंट पे गिरा वो पॉइंट पे आपका सेल का वॉल डिजॉल्व कर गया और प्लाज्मोगेमी हो गई ये देखो ये एक था इधर जा रहा था एक था इधर जा रहा था इस पॉइंट पे मैच कर गए तो नाउ ऑल द सेल्स आर गोइंग टू बी

यहां सिर्फ आगे जाएगा यहां पॉइंट में मिला अब सिर्फ डिप्लॉइड ना डिप्लॉइड होल फ्रूटिंग बॉडी एंड द फ्रूटिंग बॉडी इज वेरी कॉमन वी कॉल द मशरूम्स ठीक है वी कॉल मशरूम्स नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज का फ्रूटिंग बॉडी बेसीडियो कार्टीडियो इज एन प्लस एन तो आप जो मशरूम खाते हो उसके एक एक सेल में दो दो न्यूक्लिया में दो दो न्यूक्लिया हैं ठीक है ये पूरी कहानी आखिरी तक जाएगी आपको भी मशरूम को देखना उल्टा करके फाड़ के नीचे की तरफ देखना ब्लैक ब्लैक कलर के लाइंस होते हैं नोन गिल्स ऑफ मशरूम अब गिल्स ऑफ मशरूम में भी आप एकदम आखिरी टिप वाले सेल पे पहुंच जाओ एकदम टिप वाले सेल पे इन ऑल दीज टिप सेल्स यू विल फाइंड डाई कैरियॉन पूरा तो मशरूम डाई है एन प्लस एन ठीक है जो लास्ट वाला सेल है ना उसको हम कहते हैं बेसीडिया या बेसीडियम बेसिडिया प्लूरल बेसिडियम सिंगुलर, ठीक है अब मेरे पास आ गया बेसिडियम उसमें करा देंगे कैरियोगेमी कैरियोगेमी कराया तो बेसीडियम के अंदर ही एक न्यूक्लिया हो गया विच इज डिप्लोइड एन प्लस एन से अब हम हो गए डिप्लॉइड प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में काफी डिस्टेंस है ह्यूज टाइम पूरी जिंदगी बेसिकली वो एन प्लस एन कंडीशन में निकाल रहा है अब जिसमें मैंने फ्यूजन कराया था बेसिलियम में उसमें मियोसिस होगा लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी कवरिंग के अंदर नहीं बन रहा इसके टिप पे इफ यू लुक एट बेसिलियम बेसिलियम ऐसे हो जाएगा ठीक है ये डाई स्टेज था बेसिलियम का फिर ये बेसिलियम फ्यूजन शो कर देता दिस इज एन प्लस देन दिस इज टू एंड देन सॉरी इसके ऊपर आ जाते हैं स्पोर्स दीज आर नोन एज बेसिडियो स्पोर्स बेसिडियो स्पोर्स तो अगर एस्को स्पोर्स देखोगे आप बेटा एस्को स्पोर बन रहा था एक कवरिंग के अंदर ये देखो तो इसका मतलब एस्कोसपोर इज फॉर्म इन साइड इट इज एंडोजीनस इन ओरिजिन है ना ये अंदर बना था कवरिंग के एंडोजीनस इन ओरिजिन वेर एज बेसिडियो आर नॉट फॉर्म इनसाइड साइड दे फॉर्म ऑन द टिप ऑफ द बेसिडियम इसलिए ये क्या हो जाएंगे एक्सोजीनस फिर एयर के साथ उड़ के गिरेगा फिर दोबारा सेम साइकिल अगेन रिपीटेड मैम इसमें ए स्पोर कौन सा बनाता ही नहीं बोले फंगस कोई तोड़ लो उसी से काम चला लो तो जो आपके पास माइसीलियम है डायरियन माइसीलियम को भी आप ले सकते हो इसी का फ्रेगमेंटेशन ठीक है डाय कैरियो ले लो या चाहे आप भी ले सकते हो यूजली ए सेक्शुअल अगर जा रहे हो ए सेक्शुअल अगर जा रहे हो सेक्शुअल नहीं जा रहे हो तो ए सेक्शुअल में मूव इट टू प्राइमरी यहाँ वाली माइसीलियम इसको कैसे दिखाऊ कहा काइंड ऑफ ऐसे

प्लाजा इम्रेन अंदर की तरफ आके ऐसे फूल जाता था राइट सो दिस इज दिसा डॉलीपोर की वजह से यूनिसेल्यूलर कंडीशन मल्टी सेल सॉरी मल्टी सेल्युलर कंडीशन बहुत सारे सेल्स आ गए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंगस दैट वी सी देन सेकंड सेल वॉल काइटिन फोर्थ प्राइमरी सेल वॉल शॉर्ट लिव्ड उल्टी होगी कहानी हैप्लोइड वाला जो है वो कम टाइम के लिए जिंदा है एन प्लस एन डाई कैरियॉन फेज वाला द सेकेंडरी माई इज डॉमिन डॉमिनेंट ठीक है हाँ अब आ जाओ लास्ट सिक्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन सिंपल कोई ज्यादा लोड नहीं लेगा फ्रेगमेंटेशन सेवेंथ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सोमैटो गेमी वेरी इजी कोई सेक्शुअल स्ट्रक्चर नहीं बनाया कुछ नहीं बस जहां गिरा जिस पॉइंट में गिरा वहां फ्यूज कर गया ठीक है वही फ्यूज कर गया क्या हुआ ये पॉइंट नंबर सेवन पॉइंट नंबर एट सात हो गए वन टू हाँ मैं वही बोलूँ अभी तक तो सात नहीं हो रहे थे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेंथ पॉइंट विल बी योर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट जेनेटिकली डिफरेंट है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखने वाले मैसीम होते फ्यूज करेंगे जहां फ्यूज करेंगे सेक्सुअल स्पोर्स बनाएंगे स्पोर्स किस में बनेंगे स्पोर्स बेसिडियम में तो साइट ऑफ बेसिडियम ठीक है टेंथ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस बेसिडियोकार्प बेसिडियोकार्प नथिंग बट योर मशरूम्स यू सी है ना अलग अलग टाइप के मशरूम्स दिखते हैं हमको

कनेक्शन बना अपनी कॉपी बनाई इधर भेज दिया ये भी डाय हो गया इसने अपनी कॉपी बनाई इधर भेजा इधर भेज दिया कॉपी बना के इधर तो ऑल ऑफ देम दे टर्न एन प्लस एन प्राइमरी गेटिंग कन्वर्ट इन टू सेकेंडरी ठीक है तो काइंड ऑफ ऐसे मूवमेंट हो जाता है कन्वर्जन भी हो जाता है फॉर्म्स डिप्लॉयड कंडीशन और क्या आप कह सकते हो एन कंडीशन नॉट डिप्लॉयड डाई बार बार डिप्लॉयड निकल रहा है मुझसे चलो कवर करें इसको पूरा ओके नेक्स्ट फंगस के एग्जांपल अब यहां पे आते हैं हमारे पास रस्ट एंड स्मट बाय बाइ ऑस्टेलागो वॉल डार्क ब्लैक कलर स्पोर्स स्मट ऑस्टेलागो मशरूम अगारिकस है आपके पास जो एडेबल है जो आप मशरूम रेगुलरली खाते हो बटन मशरूम वो ज्यादातर जहरीले होते हैं क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है ना खाएगा मरेगा मेरी प्रॉब्लम तो है नहीं ठीक है सो एमिटा इज देयर रस्ट इम्पोर्टेंट बाय पक्सिन सुनो मेरी बात रस्ट यहाँ पे आ रहा है ब्राउन ब्लैक ऐसे रस्ट व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिपर क्रूसिफर इज कॉज बाई ई सिटीज एल्ब्यूगो कैंडिडा पुराना नाम सिस्टोपस कैंडिडस हाँ याद कैंडिडा वो बिलोंग करता है ऊ के मेंबर को फाइकोमाइसिटीज में आ रहा है वो सारे रस्ट ये नहीं कॉज करता लेकिन द ब्राउन रस्ट रेड रस्ट ये सारी चीजें आ जाती है पक्सिनिया के अंदर ठीक है फिर साइलो uh, साइलो साइलो साइलोसाबाइल मैक्सिकाना हा ये हेलोसिनोज होता है कुछ कुछ दिखाई देगा अलग अलग जो चलता नहीं है वो चल रहा है जो रुका होता है वो भी चल रहा है जो चल रहा है वो रुक गया कुछ अजीब अजीब दिखाई देने लगता है जो है वो नहीं दिख रहा है जो नहीं है वो दिख रहा है ठीक है हालोसिनोज इनके अंदर वही केमिकल हो गया केमिकल लोचा खोपड़ी में कर देगा आपके आर्मिलेरिया लार्जेस्ट मशरूम दैट वी हैव साइज देखो लोग खड़े नीचे इतना बड़ा साइज है उसका ठीक पफ बॉल्स लाइक जिसमें से कि यहाँ पे एक छोटा सा पोर बन जाता है और फिर यह बुश करके स्पोर्स गिराते हैं ठीक है एंड ब्रैकेट फन ये तो बहुत देखा होगा बारिश वारिश में पेड़ के तनों पे लग जाता है ब्रैकेट फंगस अगेन ऑल एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में है वो करो याद जो नहीं है वो तुम्हारी श्रद्धा करना है नहीं करना है तुम्हें तुम्हे, तुम्हारी मर्जी ठीक है लास्ट कैटेगरी डिटेरोमाइसिटीज हद से ज्यादा इजी तुम्हारा फेवरेट हो जाएगा ये अब डिटेरोमाइसिटीज में क्या है ये हमारा वेटिंग एरिया है फंगस के क्लासिफिकेशन के लिए हमारी एक्चुअल कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज फाइको एसको बसिड्यू फाइको में आएगा डिटेरोमाइसिटीज को इसने बनाया कि तुम्हें यहाँ पे हम उस फंगस को रखेंगे जो पता नहीं चल रही कि क्या है ठीक है हम लोग पढ़ने गए एक फंगस देखा हमने हमने देखा उसका साइकिल उसके सेल्स वगैरह को देखा एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस पूरा सर्च किया मुझे सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मिला है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मिला ही नहीं है और आप बेसिस देखो क्लासिफिकेशन का क्या था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम ठीक है वो मैं चेक कर सकती हूँ फ्रूटिंग बॉडी वो तो सेक्सुअल साइकिल में आएगी और टाइप ऑफ स्पोर्स वो भी सेक्सुअल साइकिल में आएंगे अगर मैं सेक्सुअल साइकिल ही नहीं जानती हूँ तो अभी तक मेरी क्लासिफिकेशन पूरी नहीं है बस लेकिन मैंने डिस्कवर कर दिया फंगस मिल तो गया ना मुझे नया सा, नया सा कुछ फंगस तो ठीक है अब हमने किया क्या है हम वेटिंग एरिया बना दिए इसको डिटेरोमाइसिटीज इसका सिर्फ हमें एसेक्शुअल स्टेज पता है सेक्शुअल स्टेज हमें नहीं पता है उस फंगस का ए सेक्शुअल स्टेज को हम बोलते हैं इम परफेक्ट स्टेज ए सेक्शुअल इज नोन एज इम परफेक्ट एंड सेक्सुअल स्टेज इज नोन एज परफेक्ट स्टेज तो परफेक्ट स्टेज एबसेंट है इम परफेक्ट स्टेज पता है मुझे एबसेंट मतलब मिली नहीं है इसीलिए इस फंगस का नाम स्टार्टिंग में बताया मैंने

तो तुम आगे जाके या तो एस्को के मेंबर निकलोगे या बेसिडियो के मेंबर निकलोगे जब भी तुम्हारी सेक्सुअल स्टेज हमें मिल जाएगी तब तक तुम डेडेरोमाइसिटीज में बैठो ठीक है दूसरा सेल वॉल काइटिन फोर्थ प्राइमरी सेल प्राइमरी माइसीलियम प्रेजेंट अभी मुझे सिर्फ सेक्सुअली एसेक्सुअली पता है सेक्सुअल तो पता ही नहीं है अभी तक तो डाइकैरियन स्टेज का तो होने का मतलब ही नहीं बनता कुछ एब्सेंट ठीक है सिक्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनीडिया अब कोनीडिया आ गया मतलब ज्यादातर चांसेस है कि यहां से निकल के फंगस एस्को में जाएगा पॉसिबिलिटी एस्को बेसिडियो दोनों की रहती है लेकिन ज्यादातर फंगस यहां से निकाल के हम एस्को या बेसिडियो में ही शिफ्ट करते हैं उसमें से भी ज्यादा फेवरेट एस्कोमाइसिडीज ठीक है देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट तो इसलिए सेक्स ऑर्गेंस भी एबसेंट फिर मैंने थ्री खा लिया है मेरे को थ्री से क्या प्रॉब्लम है भाई किससे मिलती जुलती है ये सारी चीजें किससे मिलती जुलती है बेटा सेक्शुअल साइकिल जो कि है नहीं जो कि है नहीं ठीक है नो नो नॉट एबसेंट वी डोंट नो ऐसा बहुत बार हो जाता है ऐसा झोल बहुत बार हो जाता है कि मैंने उसको देखो मैंने एक उसका ए सेक्शुअल साइकिल पढ़ा उसका मेन साइकिल पढ़ा जो मेरे को मिला मैंने बोला सेक्सुअल साइकिल मुझे अभी तक दिखा नहीं है भाई तो बस इसको डेटेरो में रख दू डेटेरों में में छोड़ दिया उसको एक नाम दे के ठीक है आप टेम्प्रेरी नाम देखे होता है ना बचपन में बच्चे का अभी नामकरण हुआ नहीं है पंडित जी ने बताया नहीं है? तो कुछ भी नाम रख दिया छोटू रखा हमने टेम्प्रेरी था क्योंकि अभी तक परमानेंट नाम पता नहीं था हमको कि स्कूल में क्या लिखवाना है नाम लेकिन वही उसका सारी जिंदगी का नाम बन गया बेचारा घर का निकनेम यहाँ पे वी डोंट नो द सेक्सुअल साइकिल और लेकिन कभी कभी ये भी गड़बड़ हो जाती है कि हम ए सेक्सुअल साइकिल को पढ़ के उसको डेटेरोमेसिटीज में रख देते हैं एक नाम से और उसकी सेक्सुअल स्टेज को कोई और नाम दे के ऑलरेडी किसी और फंगस में रखा हुआ है हमने एसको बसिडियो में रखा हुआ है उसको एक ही फंगस के दो नाम हो रखे हैं बाद में धीरे 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 जब गुत्थी सॉल्व होएगी तब पता चलेगा हमें कि भाई एक ही थे ये इसका ए सेक्सुअल स्टेज था ये इसका सेक्सुअल स्टेज था जैसे बहुत टाइम तक आपका जिब्रेला फ्यूजी को राय कुछ बच्चे जो प्लांट फिजियो पढ़ चुके होंगे उन्होंने सुना होगा गिब्रन एसिड्स का नाम उसका जब फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुआ तो हमें जिब्रेला में मिला अब वो जो फंगस है मेरे पास जिब्रेला उसको हम एस्कोमाइसिटीज में रखते हैं ठीक है लेकिन पहले उसका नाम दूसरा था फ्यूजेरियम के नाम से था फ्यूजेरियम के नाम से उसको हमने काफ़ी टाइम तक डिटेरो में रखा फिर जब हम उस हमें उसका सेक्सुअल स्टेज मिल गया तो जिब्रेला के नाम से हमने एस्को में शिफ्ट कर दिया

ऑल्टरिया सोलनाय सोलनाय सोलनेसी फैमिली सोलनाय पोटैटो फैमिली को टारगेट करेगा इसको हम टारगेट बोर्ड सिंड्रोम में बोलते हैं आप इसके ब्लैक वाले स्पॉट्स को देखो टारगेट बोर्ड जैसा दिखता है वो जो डार्ट थ्रो नहीं करते हैं ऐसे रिंग में से वो वैसा दिख रहा है ठीक है नेक्स्ट सरकोसपोरा पर्सोनाटा कॉल्ड एज टिक्कर डिजीज जो बेटा एनसीईआरटी में दिया हो वो इंपॉर्टेंट जो नहीं दिया है वो ऑप्शनल है ठीक है टिक्का डिजीज टिक्का डिजीज ये पनीर टिक्का चिकन टिक्का जैसा पत्ता हो गया इसका टिक्का डिजीज ठीक है नेक्स्ट रेड रॉट फाइव कोलियोड्रोट आइकम ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है रेड रॉट ऑफ शुगर केन ट्वेल्थ क्लास में स्ट्रैटेजी चैप्टर में नाम आ जाता है इसका ठीक है अंदर से लाल हो जाएगा पूरा फंगस लग के फ्यूजेरियम काज विल्ड ऑप्शनल अगेन यू कैन रिमेंबर इट अदरवाइज इट्स टोटली ऑफ योर जजमेंट देख लेना तुम्हारी मर्जी है कोलियोटो ट्राइकम का तो नाम सिर्फ कोलियोटो ट्राइकम के नाम से दिया हुआ है और ऑल्टरनेरिया का नाम भी एन में दिया हुआ है ठीक है ये दोनों तो दिए हुए हैं फिर ट्राइको फाइटोन इंटर डिजिटेट रिंग वीक है ये आपका फिंगर के बीच में लग जाता है इंटर डिजिटेट इंटर डिजिटेट बिटवीन फिंगर्स ठीक है ट्राइको फाइटॉन बिटवीन फिंगर्स एंड वो कॉजेज योर रिंग वॉम ऑफ फुट और एथलीट्स फुट ठीक है इसके अलावा ट्राइकोडर्मा भी आता है पॉइंट अगर लिखना चाहो तो ट्राइकोडर्मा जीनस जो है वो भी इसी का है ट्राइकोडर्मा इज यूज फॉर अ लॉट ऑफ अगेंस्ट अ लॉट ऑफ पैथोजन पैथोजन बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी यूज होता है और इससे काफी सारे हम कंपाउंड भी एक्सट्रैक्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ट्वेल्थ क्लास में आएगा तो इसको भी याद कर लेना ठीक है एनसीआर so, टी के एग्जाम्पल्स क्योंकि बार बार रिपीट होंगे ट्वेल्थ क्लास में भी रिपीट होंगे तो प्लीज एक दिन लगेगा याद करना हर चीज याद करने वाली लास्ट डे के लिए नहीं छोड़नी है क्यों क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आखिरी में ठीक है एक स्पेशल क्लास आई विल बी प्लानिंग इन डिसम्बर फॉर रिविजन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स तो प्लीज याद करके रखना जैसे ही चैप्टर खत्म होता है हम डिसंबर के फर्स्ट वीक में एक क्वेश्चन Uh, का सेशन भी रखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फुल सिलेबस फुल चैप्टर मतलब एंड दो बजे आज फुल सिलेबस का टेस्ट है एलेवेंथ क्लास का लेट्स सी हाउ डू यू डू इन द टॉपिक्स दैट आईव टॉट यू और जो टॉपिक्स अभी हमें पढ़ने हैं दोनों ठीक है बॉटनी एंड जोआलॉजी दोनों है तो कंप्लीट बायोलॉजी का टेस्ट है दो बजे मॉक टेस्ट लिंक यू विल फाइंड ऑन माई अन अकेडमी प्रोफाइल तो वहाँ चले जाना डायरेक्टली और नेक्स्ट वीक दिसंबर का फर्स्ट वीक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फुल चैप्टर का टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम्पल प्रैक्टिस तो ये दोनों के साथ मिलते हैं यहाँ पे आपके सारे क्लासेस के पीडीएफ वगैरह अपडेट हो जाएंगे एंड लिंक्स आल्सो आई विल शेयर ऑन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ लिंक ऑफ टेलीग्राम ठीक है इसके अलावा यू कैन गो फॉर आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक और प्लस दोनों में ही इंटरव डाउट क्लियरिंग सेशन और डिटेल क्लासेस होती है लेकिन आइकॉनिक में आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है दैट इज अ सेपरेट मेंटोर फॉर यू आपकी ही मदद करने के लिए आपके साथ एक पर्सनलाइज अटेंशन के लिए इंसान ठीक है दोनों जगह पे कोड आपको यूज करना है कोमल लाइफ के ओ एम एल एल आई वी एल आई वी ई लाइव इफ यू ऑलरेडी यूज इट थैंक यू सो मच अगर नहीं यूज किया है तो जल्दी से करो और मेरे को बता दो क्लास में आई विल कन्वे दिस पॉइंट किस किस को अब मुझे बता भी देना यार कहीं कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए जो कोड यूज़ करे और फिर मेरे साथ कॉन्टैक्ट में ही ना आ पाए तो प्लीज़ डों लेट मी नो कि ऐसे ऐसे कोड यूज किया है आज आठ बजे फ्री क्लास है एप्सोल्यूटली फ्री क्लास और नाइट्रोजन फिक्सेशन अन ऐप्सोल्यूटली फ्री क्लास टुडे एट टू बायोलॉजी मॉक टेस्ट नॉट जस्ट बॉटनी फुल कंप्लीट बायोलॉजी ठीक है आई विल सी यू इन क्लास प्राइस हाइक होने वाला है दिसंबर फर्स्ट वीक से सो लाइव कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन अपना फाइनल कर सकते हो आई एम स्टार्टिंग विद द सिलेबस ऑल टूगेदर अगेन ऑन क्लास प्लस से ठीक है का का भी भी के लिए जेनेटिक्स एंड इलेवंथ के लिए सेल साइकिल एंड लिविंग वर्ल्ड ठीक है सो और भी बहुत सारे बैचेज आ रहे हैं डीपीपीस के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो यूनिक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में फ्री एनरोलमेंट है यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस डेली एंड यू कैन आल्सो आस्क अनलिमिटेड डाउट्स ऑन डाउटमीज लर्निंग ऐप एंड थैंक यू सो मच फॉर टूडे सेशन बहुत सारे क्लासेज हैं आज जिसका मैंने अपडेट आपको टेलीग्राम आई डी पर भी दिया हुआ है कि आज हमारे कौन से कौन से क्लासेज होंगे आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड टू द सेम रेसिप रोकेशन में संडे को जो आप बिल्कुल एकदम चिल जिंदगी गुजारते हो वो मैं आप थोड़ा सा प्रॉब्लम ला रही हूँ उसमें ठीक है सो वी विल कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स टूडे मेक श्योर योर देर इन द क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सेंड द पीडियफ ऑन द टेलीग्राम आई डी नैट आईट जस्ट टोल्ड यू ठीक है थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन क्लास कीप्रॉ